डीएफए जो है वो है जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन। जी जी, यानी कि जम्मू कश्मीर के जितने भी डेयरी किसान हैं उनका एक संगठन 2 किलो 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो से लेके 500 लीटर 1000 लीटर तक भी जो दूध पैदा करने वाला मिल्क प्रोड्यूसर जो है उसका जीवन स्तर को हम किस तरह से हम ऊंचा करें। तो लखनपुर में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इस बारे में हमारी एसोसिएशन पीडीएफए पंजाब में काम कर रही है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैसे ही काम जेकेडीएफए जम्मू में भी आने वाले दिनों में करेगी? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त अरमान एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अरमान एंड डेयरी फार्मिंग में। आज हमें मौका मिला है जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन के जेकेयूटी जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण शर्मा जी से बात करने का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? सब ठीक अरमान जी। सर आज बड़ी मुश्किल से आपने हमें मौका दिया है बात करने का, टाइमिंग की प्रॉब्लम से 2-4 दिन से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपके पास टाइम की कमी थी जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही थी। सर हम ये जानना चाहते हैं कि जेकेडीएफए है क्या और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? देखिए अरमान जी, ऐसा है कि जेकेडीएफए जो है वो है जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन। जी जी, यानी कि जम्मू कश्मीर के जितने भी डेयरी किसान हैं उनका एक संगठन एक संघ है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें बनाना पड़ा, पहले मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड पे चले जाता हूँ कि पहले जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन जो थी वो हमारे जो वर्तमान के चेयरमैन हैं जीतराम चौधरी जी, उनकी अध्यक्षता में ये चलती थी। उन्होंने भी बहुत सारी एजिटेशन डेयरी फार्मर्स के लिए की, उनके वेलफेयर के लिए काम किया। जी जी। तो वो थोड़े एज्ड हो गए थे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अब इस एसोसिएशन को नए और यंग लोगों के हाथों में दिया जाए। बिल्कुल। ताकि एसोसिएशन को और बेहतर तरीके से जो डेयरी फार्मर डेयरी किसान जो है उनकी जीवनी को हम थोड़ा सा उनका स्तर जो है वो उसको ऊँचा करें। जी। तो इसीलिए हमने एक आज से लगभग 2 से 3 महीने पहले उसमें पूरी स्टेट की टीम में मॉडिफिकेशन की, जिसमें कि नए पदाधिकारियों को नए मेंबर्स को ऑफिस बेयरर उसमें बनाए गए। वर्तमान में जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो जीतराम चौधरी जी हैं जी, और अध्यक्ष जो हैं प्रेसिडेंट जो हैं वो कुलभूषण खजूरिया जी जी। उनके साथ पूरी स्टेट की बॉडी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स बने हुए हैं और भी फर्दर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को नीचे ग्राउंड लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर का जो डेयरी किसान है दूध पैदा करने वाला जो किसान है उसको जो समस्याएं आ रही हैं समय रहते उन समस्याओं का हल हो सके और उसका जो दूध का दाम जो है उसको उचित मूल्य जो है मार्केट में मिल सके। इसी का हमारा ये मेन लक्ष्य था कि जो डेयरी हमारे आम किसान है जो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो से लेके 500 लीटर 1000 लीटर तक भी जो दूध पैदा करने वाला मिल्क प्रोड्यूसर जो है उसका जीवन स्तर को हम किस तरह से हम ऊंचा कर सके उसको उठाएं, इसी के ध्यान में रखते हुए हमने इस एसोसिएशन का जो है वो गठन किया। जी सर, सबसे पहली बात तो जब हम डेयरी फार्मिंग करते हैं तो सबसे पहली बात आती है उसमें दूध के रेट्स, तो इस बारे में आपने क्या इनिशिएटिव लिया है या क्या कुछ करने की सोच रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए जहां तक दूध के रेट्स की बात है तो सीएपीडी डिपार्टमेंट दूध के रेट मूल्य जो है वो निर्धारित करता है। पिछले दिनों हमने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सरकार के समक्ष डेयरी फार्मर्स को जो दूध के रेट को लेकर जो परेशानी दिक्कत आ रही थी वो सरकार के समक्ष हम लोगों ने वो रखी और हमें बड़ी खुशी है इस ये बात कहने में कि सरकार ने हमारे दर्द को हमारी बात को समझा और जो दूध का मूल्य था सीएपीडी डिपार्टमेंट ने एक मीटिंग की जिसमें सब लोग बैठे हुए थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग उसमें आए हुए थे और सबकी सहमति से जो दूध का मूल्य है वो बढ़ाया गया। जो पहला दूध का मूल्य किसान को मिलता था वो 3.5 फैट और 8.5 SNF गाय के दूध का जो होता था उसका मूल्य 35 रुपये था। जी बिल्कुल। वर्तमान में आज से एक महीना पहले जो सरकार ने नए रेट निर्धारित किए हैं उसमें 3.5 फैट और 8.5 SNF का जो मिल्क फार्मर प्रोड्यूसर का जो रेट है वो गवर्नमेंट ने 46 किया और आगे सेलर का सेल करने के लिए जो दुकानदार या कोई भी उससे अगर दूध खरीदता है फार्मर से तो उसका रेट 48 किया।
इसी तरह से भैंस का भी रेट रिवाइज किया गया और बड़ी खुशी की बात है कि 2019 के बाद लगभग 2 साल के बाद गवर्नमेंट ने रेट रिवाइज किया। आपको आप जानते ही हैं कि 2 साल में कितनी महंगाई जो है वो बढ़ गई है जी, तो जी। फार्मर का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। तोड़ी जो आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले हमें ये जो हार्वेस्टिंग का सीजन होता है जिसमें गेहूं की कटाई होती है और तोड़ी पैदा होती है नई तोड़ी जी, जी। उस टाइम पे तोड़ी का रेट जो होता था वो 4 से 5 रुपए केजी हमें फार्मर्स को मिलता था। लेकिन आज की स्थिति में क्या हो चुका है कि हार्वेस्टिंग के सीजन में वही तूड़ी जो है वो हमें 12 से 13 रुपए केजी के करीब अभी आज के टाइम पे हमें हमारे फॉर्म पे पहुंच रही है जी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाने से फार्मर का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हुआ था। इसलिए हमने सरकार से निवेदन किया था और ये बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने हमारी बात मानी और आज से 1.5 महीना पहले ही उन्होंने अपना रेट जो है वो रिवाइज किया और उससे थोड़ा सा किसानों को थोड़ी हेल्प मिलना शुरू हुई। हालांकि जितना हमने उनको बोला था कि इतना कीजिए, इतना उन्होंने नहीं किया है, लेकिन फिर भी जितना भी सरकार ने किया है वो हमारे अकॉर्डिंग हमारे सर्वाइवल के लिए इतना तो बहुत ही ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद ही करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि हमने हिस्ट्री में इतना एक साथ रेट बढ़ते हुए नहीं देखा है, तकरीबन 12 रुपए पर केजी के हिसाब से रेट बढ़ा है जी, जी जी सर, क्या मैं सही हूँ? नहीं, बिल्कुल आप सही हैं। देखिए जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं उनको भी समझ आती है कि आज के टाइम पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितनी हो गई है। आज के टाइम पे तूड़ी अगर 13 रुपए केजी हो जाएगी, फीड के रेट जो है वो 3,000 रुपए क्विंटल हो जाएंगे, कॉटन सीड केक जो है वो 5,000 पे क्विंटल हो जाएगा जी, जी। तो किसान सरवाइव कैसे करेगा? बिल्कुल, तो क्योंकि डीजल महंगा है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजों पे उसका असर पड़ता ही है जी। तो एक डेयरी फार्मर आप समझिए कि लोग 20 रुपए लीटर पानी लेके पी लेते हैं, लेकिन वो 40-45 का दूध लेके वो पीना नहीं चाहते। हालांकि दूध जो है वो हमारे कल्चर में, हमारे धर्म में उसको एक अमृत के समान ही माना गया है, तो इसीलिए दूध का जो दाम बढ़ा है वो बहुत ही जेनुअन गवर्नमेंट ने बढ़ाया। हमारी तो मांग थी कि गाय का दूध जो है वो 55 रुपीज केजी किया जाए, लेकिन चलो गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया था कि 2-3 महीने के बाद दोबारा से हम एक मीटिंग करेंगे। हम अगर उसमें उनको लगा कि ये रेट जो हम बोल रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कंटिन्यू स्टेबल नहीं रह पा रही है, बढ़ी रही है दिन ब दिन, तो उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो जो छोटे फार्मर हैं, जैसे गांव के पदर पे गांव फार्मर्स हैं, क्या उनके लिए भी ये रेट एप्लीकेबल हो रहे हैं? जैसे वो सप्लाई वालों को दूध देने जाते हैं तो क्या वहाँ पे रेट एप्लीकेबल हो गए हैं या अभी उसको टाइम लगेगा? देखिए क्या है कि जहाँ तक बात है जो सप्लाई पे दूध लेने वाले जी, तो जम्मू कश्मीर में केवल एक सिंगल प्लेयर है जी, वो है अमूल जी। हालांकि अमूल ने जिस सोसाइटी को टेक ओवर किया है वो JKMPCL है जी। अब JKMPCL का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड जी। वो सरकार द्वारा बनाई गई सोसाइटी थी और वो सरकार की उस सोसाइटी को बनाने के पीछे की जो मंशा थी वो थी कि किसानों का इससे भला हो जी, किसानों को एक दूध सेल करने के लिए एक मार्केट उपलब्ध करवाई गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन पता नहीं किन कारणों से 2014 में जब यहाँ पर एक नई सरकार बनी तो उन्होंने गुजरात से अमूल को यहाँ पर बुलाया और वो JKMPCL जो जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड सोसाइटी थी वो अमूल को हैंडओवर कर दी। ठीक है, शुरुआती दिनों में वो 1 साल के लिए उनको लीज पे दी गई थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि वो किराएदार बन के आए थे और यहाँ पर मालिक बन गए हैं। उसके विषय में हमने टाइम टू टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करके सरकार को बार बार चेतावनी भी दी है और सरकार से बार बार निवेदन भी किया है कि कृपया आप जल्द से जल्द उसके ऊपर कोई लगाम लगाएं, नहीं तो ऐसा ना हो कि एक दिन जम्मू कश्मीर के सड़कों पर हजारों की तादाद में किसान जो है वो आए और अपना दूध सड़कों पर फेंके और अमूल के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो सरकार को देखने को मिले और सरकार को वो झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने पिछले दिनों में एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो अमूल JKMPCL के बाहर रखा था, जिसमें कि हमने कुछ मांगे उनसे रखी थी कि आज के टाइम पे जो अमूल दूध के दाम किसानों को दे रहा है वो दाम बहुत ही ज्यादा कम है। हमने उनको बोला था कि जो CAPD डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट का ही एक विभाग है, अगर वो कहता है कि फार्मर प्रोड्यूसर का जो रेट है वो 44 होना चाहिए, 46 होना चाहिए, तो वो रेट जो है वो इनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये कहते हैं कि वो रेट हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। इसके बारे में जद्दोजहद चल रही है। आज भी हमारे प्रदेश के 2 ऑफिस बेरर हमारे प्रेसिडेंट साहब कुलभूषण खजूरिया जी और हमारे जम्मू प्रोविंस के जो प्रेसिडेंट हैं अपना संदीप सिंह चिप जी, वो कश्मीर में है
कल सुबह उनकी एक बैठक वहां पे रहेगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे विभाग के हैं उनके साथ, और जो भी जायज हमारी प्रॉब्लम जो डिमांड्स हमने सरकार के समक्ष रखी हैं वो हमें ऐसी उम्मीद है कि सरकार किसानों की अनदेखी नहीं करेगी, और यदि अनदेखी करते हैं तो हनुमान जी मैं आपको ये बता दूं कि जब जब भी किसानों ने आवाज उठाई है तो अपनी मांगों को मनवाया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने सर। सर एक क्वेश्चन दिमाग में बार बार आता है कि जब आपको पता है कि यहाँ पे इतने जानवर जो हैं हमें मिल नहीं पाते, उस क्वालिटी के जम्मू में जानवर नहीं मिल पाते हैं, तो क्या होता है जो कोई नया डेयरी फार्मर स्टार्ट करता है अपना डेयरी, तो कोशिश यही करता है कि जानवर हम बाहर पंजाब से जो अच्छी अच्छी ब्रीड्स हैं या हरियाणा से लेके आए, तो लखनपुर में थोड़ी सी दिक्कत होती है उनको, तो इस बारे में हमारी एसोसिएशन क्या कर रही है? देखिए हमारी एसोसिएशन अभी बनी भी नहीं थी, तो उससे पहले ही हमने एक इनिशिएटिव लिया था। उस टाइम पे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे विभाग के नवीन चौधरी जी थे जी। तो हम सेक्रेटरी में उनसे मिले थे, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो ये जो पंजाब से जानवर हम, क्योंकि हम इंडक्शन स्टेट में करते हैं तो वहां पर परमिशन का जो ये सारा प्रोसीजर है काफी पेचीदा सा है, तो समझ नहीं आता है। अगर कठुआ वाले डीसी से परमिशन ले तो सामे वाले नहीं मानते हैं, जम्मू वाले नहीं मानते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए और सिंगल विंडो पे परमिशन जो है वो उसको अलाउ किया जाए। और मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी डेयरी फार्मर अगर पंजाब से जानवर लाना चाहता है तो वो इजीली अभी प्रोसीजर उसका है, आप आराम से जानवर ला सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, डीसी कठुआ इजीली परमिशन अलाउ करते हैं देना। तो छोटा सा उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज रहती हैं वो हमें पूरी करनी होती हैं, तो उसके बाद आराम से हम जानवर यहाँ पर ला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। सर एक सवाल है कि जैसे जिस पदर पे पीडीएफए पंजाब में काम कर रही है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैसे ही काम जेकेडीएफए जम्मू में भी आने वाले दिनों में करेगी? देखिए जेकेडीएफए जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन जो है ये एक बहुत बड़ा समूह बनने जा रहा है जी। हमारी मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है जी, और मुझे ऐसा बहुत खुशी है ये बात आपको बताने में कि लगभग पिछले 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले हमारे एसोसिएशन का गठन हुआ था, तो आज के टाइम पे 1000 एक्टिव मेंबर हमारा स्टेट में बन चुका है। ठीक है, बहुत ही कम समय में हमने ये टारगेट अचीव किया है, और आने वाले 5 से 6 महीने में मैं ये बहुत ही श्योरिटी के साथ आपको वो ये बता सकता हूँ कि लगभग 10,000 के करीब मेंबर हमारी एसोसिएशन बनाने जा रही है जी। उसके बाद जहां तक पीडीएफए का बात है, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसिएशन जी जी पंजाब, तो हमारा जो मकसद था कि जिस तरह से पीडीएफए ने पंजाब के किसानों का जीवन स्तर जो है उसको ऊंचा किया है जी। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन भी यहाँ के किसानों का जीवन स्तर ऊंचा करके लेके जाएगी, और ये आप देखिएगा कि जिस तरह से पीडीएफए बहुत बड़े इंटरनेशनल मेले इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, कैटल्स शो यहाँ पर पंजाब में लगाती है, उसी तर्ज पर हम लोग भी जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी इस तरह से कैटल शोज या कैटल्स की मंडी बाजार यहाँ पर लोगों को उपलब्ध करवाएंगे कि यहाँ के किसानों को पंजाब में जाने की जरूरत ही ना पड़े, यहीं पे उनको सारे जानवर मंडी के माध्यम से वो मिल जाएं। उस विषय पे काम हो रहा है, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारी एसोसिएशन काम कर रही है, बहुत जल्दी अगर सरकार ने हमें अलाउ किया इस चीज को लेके, तो यहाँ पर भी हर महीने के महीने जो है पशुओं की मंडी जहाँ पर लगेगी, जिससे कि जो लखनपुर वाला प्रोसीजर है वो भी इजी हो जाएगा, लखनपुर जाने की भी किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ की मंडी में ही किसानों को जो है वो जानवर उपलब्ध हो जाएंगे। और दूसरा एक और चीज होगी कि जो डेयरी किसान अपना जानवर सेल, आप देखते होंगे कि अगर किसी डेयरी किसान ने अपना जानवर सेल करना होता है तो उसके लिए कोई बाजार यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल, तो हमारा मकसद है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सपने हमारे डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने अपने लिए हैं, और पूरे प्रयास से हम उन सपनों को साकार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि शायद 2 या 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो होगा, पशु मंडी भी लगेगी और कैटल शो भी जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो हम एक जो जम्मू के ब्रीडर्स हैं उनके लिए एक सुनहरा भविष्य जरूर यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि तरुण जी ने बताया हमें। तो सर आप हमें बताएं कि मेंबरशिप जो आपने ड्राइव चलाई है, अगर आप जेकेडीएफए की मेंबरशिप कोई लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी मेंबरशिप एक फॉर्म जो है वो निकाला है जी। उसके अलावा फॉर्म के अलावा हमने एक फॉर्म की एक निर्धारित एनुअल फी उसमें रखी हुई है जी जी,
जो कि 500 रुपीज़ है। 500 रुपीज़ आप पे करके अपना एक आधार कार्ड, एक फोटोग्राफ और प्लस हमारा जो एसोसिएशन का फॉर्म है वो फिल करके आप हमारे सदस्य बन सकते हैं। ठीक है। उसका आपको बहुत फायदा होगा। देखिए, हम लोग वेटनरी लेवल पे भी किसानों की मदद कर रहे हैं कि अगर उनके पशुओं को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो उस पशु को क्या इलाज देना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, वो सब कुछ उस लेवल पे भी हम लोगों की मदद करते हैं। चाहे लोग 12 बजे भी हमें फोन करें, हमारी टीम जो है उपलब्ध है। उसके अलावा बहुत जल्द हम जो है सीमन, बढ़िया क्वालिटी का सीमन, वो भी हम अपने फार्मर्स को अभी कुछ जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एरिया है उसके अंदर हमने स्टार्ट कर दिया है कि अच्छा क्वालिटी का सीमन जो है वो लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा थोड़े दिनों में ही अब हमारी कोशिश है कि जैसे हम कुछ लोग और हायर कर रहे हैं ताकि जो दूर दूर दराज के गांव के देहात के जो किसान हैं उनको भी एक अच्छी क्वालिटी का सीमन मिले, ताकि उनकी आगे की जो प्रोडक्शन, जो ब्रीडिंग जो है वो अच्छी नस्ल में सुधार हो सके और उनको अच्छे काफ जो है वो मिल सके, जिससे काफ जो है वो मिल सके, जिससे कि अच्छे जानवर आगे तैयार हो सके और जो हाई यील्डिंग हो, अच्छे ज्यादा दूध देने वाले जानवर जो है वो हो। जी जी बिल्कुल सर, मैं सभी डेयरी फार्मर से ये अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी JKDFA की मेंबरशिप लें ताकि आपको टेल एंड तक फायदा पहुंच सके। सर, अच्छा सर, आप कोई नए डेयरी फार्मर, जो नया बंदा डेयरी फार्म में, फार्मर के बिजनेस में आना चाहता है, उसके लिए कोई दो शब्द कहिए। देखिए, मैं अरमान जी, मेरे को बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं जी जी, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम फोन कॉल जो है वो अटेंड करूँ। जी जी सर, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ नए डेयरी फार्मर को कि आप कोई भी फॉर्म या इस तरह का स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्रित कीजिए। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ब्रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिए। बिल्कुल। यदि आपकी ब्रीड, आपने सिलेक्शन ऑफ एनिमल जो कैटल्स आप करते हो वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए जी। अगर आप कैटल्स अच्छे लाते हो तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो दूध की कभी कम नहीं होगी। यदि आप पैसे बचाने में या किसी और कारण से अगर आप प्रॉपर अच्छे कैटल नहीं ला पाते हो तो वो इतनी प्रोडक्शन आपको नहीं दे पाएंगे जी जी। तो इसलिए मेरा तो यही सभी फार्मर से रिक्वेस्ट है, एक नंबर सिलेक्शन ऑफ एनिमल आप अच्छा कीजिए, एक बैलेंस डाइट उनको दीजिए। जो किसान जिनके पास अच्छी बैलेंस डाइट की पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं है, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग उनको अच्छी बैलेंस डाइट क्या है, क्या राशन उनको देना है, हम वो सब उनको प्रोवाइड करवाते हैं। हम पूरी जानकारी देते हैं कि कितना फीड, कितना मिनरल मिक्सचर, किस तरह से विटामिन, कैल्शियम कैल्साइट पाउडर, मैग्नीशियम, हर एक चीज किस तरह से जानवर को देनी है, वो हम सब बताते हैं किसानों को। और दूसरा नंबर मार्केट, यदि आपका दूध अच्छे रेट पे सेल नहीं हो सकता है जी, तो आप इस सेक्टर को टच ना करें। बिल्कुल। क्योंकि ये सेक्टर एट द एंड आपकी जितनी भी कॉस्ट है वो दूध से निकलनी है। बिल्कुल। आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, अगर आपका दूध उचित रेट दामों पर नहीं बिक सकता है तो आप इस सेक्टर में कामयाब नहीं हो सकते जी। तो इसलिए ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, आप इनको ध्यान से देखिए, एनालाइज कीजिए, आप अकेले बैठिए सोचिए कि क्या मार्केट, जहां पे मैं ये फॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ वहां की मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि वो मुझे इतना दूध का रेट, वहां मूल्य जो मिल सकता है, यदि आपको लगता है मिल सकता है तो मैं आपको जरूर ये कहूंगा, ये बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत वाइड सेक्टर है, बहुत स्कोप इसमें है। तो गवर्नमेंट की भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने इसमें निकाली है, जैसे IDDS के माध्यम से अभी लाखों के हिसाब से पंजाब से आउटसाइड स्टेट से हमारे स्टेट में जानवर इंडक्ट हुए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि जब से IDDS स्कीम से पहले जो हमारी स्टेट में मिल्क प्रोडक्शन थी वो हम काफी उसमें डेफिशिएंसी थी जी। आज के टाइम पे हमारे पास मिल्क जो है वो सरप्लस है। ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ है, कुछ इसमें गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, काफी यंग पढ़े लिखे एंटरप्रेन्योर लोग जो है इस सेक्टर में आए हैं, उन्होंने इसको बड़े एडवांस और मॉडर्नाइज वे में इस सेक्टर को लिया है। वो ट्रेडिशनल तरीका जो पहले के टाइम पे चलता था वैसा नहीं है आजकल। आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नए नए ग्रेजुएट MD MBA किए हुए लोग वो इस सेक्टर में आ रहे हैं और उन्होंने इस सेक्टर को बहुत अच्छा डेवलप भी कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलेगा हमें, इसमें हमें जरूर 2-3 साल का समय लगेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से हमारी एसोसिएशन काम कर रही है, जैसे ज्यादा से ज्यादा किसान हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़ रहे हैं जी जी। तो वो सब कुछ एट द एंड पॉइंट पे बेनिफिट जो है वो किसान को होने वाला है। देखिए, मैं अपना बताता हूँ कि मैं अपना दूध यहाँ पर सेल करता हूँ जी,
जब हमारे पास दूध सरप्लस होता है तो मैं भी अमूल को, JKMPCL को दूध देता हूँ। हमें पता है कि वो इसके उचित रेट नहीं देते, 30 रुपए में हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो 30 वो देंगे तो किसान खाएगा क्या और जानवर को क्या खिलाएगा, तो अपना घर पेट बच्चों को कैसे पालेगा। तो उस लेवल पे भी हमारे जद्दोजहर सरकार के साथ लगातार चल रही है। और दूसरे स्तर पर इस तरह से है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जब एसोसिएशन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होगी तो हम सरकार से कोई भी मांग बनवा सकते हैं। जी जी साथियों, ये थे हमारे तरुण जी, जिनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, इन्होंने पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक दी है हमें। साथियों, मैं आपको बता दूं कि तरुण जी एक युवा डेयरी फार्मर भी हैं, इनका अपना बहुत बड़ा डेयरी फार्म है जिसको हम थोड़े ही दिनों में कवर करने वाले हैं, तो उस डेयरी फार्म के बारे में भी जानेंगे कि क्या क्या इन्होंने किस तरह से डेयरी फार्म को संचालित किया हुआ है। तरुण जी, धन्यवाद आपका अपना टाइम देने के लिए। जी तो साथियों, हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।